सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करदा। पंजाब दे विच एक बार फिर हड़ां दी मार पैंदी हुई दिखाई दे रही है। भाखड़ा डैम दे विचों पानी छड्या गया, फ्लड गेट खोले गए ने, जिस तों बाद इस पानी ने कई पिंडां दे विच तबाही मचा दिती है। खास तौर दे उत्ते श्री आनंदपुर साहब, रोपड़ ते नंगल दे पिंड प्रभावित होए ने ते इन्हां पिंडां दे विच काफ़ी पानी भर चुकिया है। राहत कार्ज जारी ने, प्रशासन वालों लोगों नूं बाहर कढ़िया जा रहा है ते इत्थों तक कि हैलीकाप्टर की मंग भी कर दिती गई है। डिप्टी कमिश्नर प्रीति यादव ने रोपड़ तों, उन्होंने सरकार नूं एक चिट्ठी लिख के मंग की है कि आर्मी दे हैलीकाप्टर भेजे जाण तां जो लोगों तक राहत समगरी पहुँचाई जा सके, जां फिर जिहड़े लोग पानी दे विच फस गए ने उन्हां नूं बाहर कढ़िया जा सके। ते इस तों पहलां वी हड़ां ने काफ़ी हालात खराब कर दिते सन ते हुण एक बार फिर भाखड़ा डैम दे विचों छड्या गया पानी लोगों वास्ते कहर बन के आया है। अजे लोग नहीं संभले सन, दूजी बार फिर हड़ां ने मार कर दिती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों दे विच लगातार बरसात हो रही है, बदल फट रहे ने। घग्गर दा पानी भी अपने वहाव तो तेज़ वहिंदा होया नज़र आ रहा है ते किनारियां नूं छूंदा होया दिखाई दे रहा है। कई थावां दे उत्ते भी खबरां ने कि घग्गर दे किनारे भी उछलने शुरू हो गए ने, पिंड प्रभावित होने शुरू हो चुके ने। ते इसे दे चलदिआं जेकर गल कीती जावे नंगल दी, तां नंगल दे विच वी लोग फसे हुए ने। ते जदों ये लोग फसे हुए सन तां खास तौर दे उत्ते उत्थों दा पुलिस प्रशासन काफ़ी एक्टिव नज़र आया। उत्थों दे DSP ने सतीश कुमार, वह खुद JCB दे उत्ते सवार हो के पहुँचे ते एक पिंड दे विच फसे हुए लोगों नूं उन्हां ने बाहर कढ़िया। एक श्री आनंदपुर साहब का पिंड है भनाम, वह भी पूरी तरह पानी दे विच डुब चुकिया है ते नंगल तहसील दे दो पिंड अजिहे ने जिहड़े पानी की मार हेठ आ चुके ने। होर भी कई पिंड ने पर खास तौर दे उत्ते पानी ने जिथे ज़्यादा नुकसान किया है, एक पिंड है बेली ते दूजा जोल, ये नंगल तहसील दे विच पैंदे ने। ते इसे दे चलदिआं काफ़ी कुछ नुकसानिया गया, लोगों का माल डंगर का नुकसान होना शुरू हो चुकिया है। तो JCB दे उत्ते सवार हो के जदों DSP साहब पहुँचे तो लोगों नूं राहत की एक किरण दिखाई दी। तुम दस दिए कि भाखड़ा डैम के जो पानी का पद्धर आ खतरे के निशान तो 3 फुट तक ही रह गया है, उतों तक पहुँचने वाला हो चुका है। जेकर लगातार पहाड़ों के बरसात होंगी है तो डैम के लिए यह पानी संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तो पहला भी फ्लड गेट खोले जा चुके हैं तो हुण एक बार फिर खोले गए हैं। सतलुज दरिया के नाल लगते इलाकों के दहशत का माहौल है, इलाके कई थावां तो खाली भी करवाए जा रहे हैं। इत्थे भी जिक्रयोग है कि पटियाला, श्री आनंदपुर साहब, रोपड़ ते इस तो इलावा संगरूर दा इलाका पानी दी मार हेठ आया सीगा। फिरोजपुर दा सरहदी इलाका भी पानी ने काफ़ी प्रभावित किया सीगा ते राहत कार्ज उत्थे भी चलाए गए। तो सरकार हुण फसलां दे खराबे दी ते लोकां दे नुकसान दी गुरदौरी कराउण तो बाद मुआवजे दे चैक वंडन की शुरुआत भी कर चुकी है। कल 15 अगस्त का दिहाड़ा सी तां कल ये चैक वंडन की शुरुआत हो चुकी है, पर चैक वंडे जाणगे। पर दूजे पासे एक बार फिर हड़ां दी मार पैंदी हुई नज़र आ रही है। खास तौर दे उत्ते श्री आनंदपुर साहब, रोपड़ ते नंगल दे कई पिंड प्रभावित हो चुके ने इन्हां हड़ां दी मार दे दौरान। ते आउण वाले समें दे विच मीटिंग भी सद ली गई है मुख्यमंत्री भगवंत मान वल्लों तां जो ताज़ा स्थिति दा जायज़ा लिया जा सके। निडर हां, निरपक्ष रहां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहलां पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दस्सांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बनांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोग। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।